हाय गाइस, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। दिस इज प्रीति। गाइस, आज की हमारी रीजनिंग की स्पेशल क्लास होने जा रही है। गाइस, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि एस्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और गाइस, आपको पता होगा कि जो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम है उसमें 10 मार्क्स की रीजनिंग जो है वो पूछी जाती है। गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिससे आपकी रीजनिंग में 10/10 मार्क्स आने वाले हैं। और जो मेरे क्लास के नोट्स होंगे वो सफिशेंट है। आपको मार्केट से किसी भी बुक को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग की कोई भी बुक आपको परचेज़ नहीं करनी। जो क्लास नोट्स हैं वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और आपको एक गाइस PDF दिया जाएगा जिसमें जिससे आप रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑल ओवर सभी की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। गाइस, आज का हमारा चैप्टर है ब्लड रिलेशन। ओके गाइस, ब्लड रिलेशन, आई थिंक आपने सुना होगा ब्लड रिलेशन के बारे में। हिंदी में इसको कहा जाता है रक्त संबंध। ठीक है गाइस, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। गाइस, आपको पता होगा कि जो जेंडर है वो टू टाइप्स के जेंडर हैं। वन इज मेल एंड सेकेंड इज फीमेल गाइस। ठीक है गाइज, इस चैप्टर में जो भी मेल जेंडर होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी ट्रायंगल से। ठीक है गाइज, और जो भी फीमेल जेंडर होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी सर्किल से। दैट मीन्स आपको जहां पर भी मेल जेंडर बनाना होगा वहां पे आप ट्रायंगल का यूज करेंगे, और जहां पर आपको फीमेल जेंडर बनाना होगा वहां पे आप सर्किल का यूज करेंगे। ठीक है गाइज। गाइज, अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में कि कितने प्रकार के रिश्ते होते हैं, रिलेशंस होते हैं। ठीक है गाइज, देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिश्तों के प्रकार। ठीक है गाइज, रिश्तों के प्रकार। अब देखिए रिश्ते कितने तरीके के हैं। सबसे पहले मैंने एक रिश्ता लिखा, यहां पे रिलेशन लिखा, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए बी का पति है, ए बी का पति है। गाइस, किसी भी रिलेशन को ड्रॉ करने से पहले आपको उस पर्सन का जेंडर कंफर्म होना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर लिखा है ए बी का पति है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि ए का जेंडर क्या है। गाइस, ए का जेंडर क्या है, ए बी का पति है, दैट मींस पति कौन है, ए है, दैट मींस ए। तो ए को, अगर ए एक मेल जेंडर है तो क्या मैं ए को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, बिकॉज ए क्या है, एक मेल जेंडर है गाइस। ठीक है, अब देखिए ये किसका पति है, ये पति है बी का, तो ऑफ कोर्स बी क्या होगी, एक फीमेल होगी। तो क्या मैं बी को सर्किल से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। ठीक है गाइस, अब एक बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि जो भी वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप होगा उन दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा। ठीक है गाइस, अब इस प्लस के साइन को आपको कैसे याद रखना है, देखो जो भी वाइफ हस्बैंड है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, इसी वजह से आपको प्लस के साइन से पता चल जाएगा कि ये वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप है। ठीक है गाइस, आई होप यू क्लियर, आपको अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड रिलेशन, ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी। एक रिलेशन मैं लिख रही हूं, चलो पहले मैं आपको ए इज ब्रदर ऑफ बी बताती हूँ। ठीक है, आई थिंक ये पहले सही रहेगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है। सबसे पहले आप इसका जेंडर कंफर्म कीजिए कि हु इज ए, ए कौन है। आपको पता है कि ए बी का भाई है, दैट मीन्स ए भाई है बी का, तो ए ऑफ कोर्स क्या है, मेल जेंडर है। तो क्या मैं ए को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। साथ में क्या लेना है आपको गाइस, बी, बी ले लिया। अब गाइस मुझे ये बताइए कि ये जो बी है इसका जेंडर तो मुझे कंफर्म है नहीं। ठीक है, तो दैट मींस बी कोई भी हो सकता है, बी मेल जेंडर भी हो सकता है और बी
फीमेल जेंडर भी हो सकता है। तो गाइज जब तक हमें किसी भी पर्सन का जेंडर क्लियर ना हो तो हम उसके ऊपर कोई भी फिगर को ड्रॉ नहीं कर सकते गाइज, ठीक है, किसी भी फिगर को हमने ड्रॉ नहीं करना, ओके। अब एक बात का ध्यान रखना है, जितने भी आपके सिबलिंग्स होंगे, चाहे भाई भाई हो, बहन बहन हो या भाई बहन हो, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं आएगा, ठीक है, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं आएगा गाइज, ठीक है। तो ए का तो जेंडर कन्फर्म था, बी का कन्फर्म नहीं था, बी को हमने एज इट इज रख दिया, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस में आपको बताती हूँ जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं और एग्जाम में गलत करके आते हैं क्वेश्चंस को। देखो दो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, पहला क्वेश्चन, हिंदी में इसको कहा जाएगा ए का बी के साथ क्या संबंध है, ठीक है गाइस। और एक क्वेश्चन बनता है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी का ए के साथ क्या संबंध है, ठीक है गाइस। ये दो क्वेश्चन है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी एंड हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। यहां पे लिखा है ए का बी के साथ क्या संबंध है। अब मुझे इस फिगर को देख के बताइए कि ए का बी के साथ क्या संबंध है गाइस। देखो जिसका नेम पहले आया है उसका रिलेशन आपको बताना है, नेम पहले किसका आया है, ए का, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, दैट मीन्स ए का बी के साथ रिश्ता बताना है, ठीक है। और ए का जेंडर अगर मुझे कंफर्म है तो मैं इस क्वेश्चन का क्लियरली आंसर दे सकती हूँ ब्रदर, मीन्स भाई। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, जिसका नेम गाइस पहले आएगा उसका रिश्ता आपको दूसरे के साथ बताना है, और ए का जेंडर मुझे कंफर्म है दैट मीन्स ए बी का क्या लगा, ब्रदर लगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स बी का ए के साथ क्या संबंध है। अब गाइज नेम पहले किसका है, बी का, हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो, ठीक है। यहाँ पर भी ए रिलेटेड टू बी है, यहाँ पर भी ए का बी के साथ संबंध है, यहाँ बी रिलेटेड टू ए है, बी का ए के साथ गाइस संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम पहले किसका है, नेम पहले किसका है, बी का, दैट मीन्स बी का रिश्ता आपको ए के साथ बताना है, और बी का जेंडर मुझे कन्फर्म नहीं है, दैट मीन्स मेरा आंसर किस में जाएगा, इधर ब्रदर और सिस्टर गाइज, या तो भाई या तो बहन, ठीक है। तो आप इसमें कंफर्म आंसर नहीं दे सकते क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई फिगर ड्रॉ नहीं होगी तब तक हम आंसर को कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, ओके। नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट रिश्ता मैं लिखने जा रही हूं, ए इज फादर ऑफ बी, हिंदी में कहा जाएगा ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है। अब सबसे पहले वही बात कि रिलेशंस को कंफर्म करने से पहले हमें क्या कंफर्म करना है, जेंडर कंफर्म करना है। तो ए बी का पिता है दैट मींस नेम पहले किसका है, ए का, ठीक है। ए बी का पिता है दैट मीन्स ए को मैं ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ क्योंकि ए पिता है और एक मेल जेंडर है, ठीक है। किसका पिता है गाइस, बी का। अब इसको कंफर्म ड्रॉ कैसे करना है, ये जो बी है इसकी प्लेसिंग गाइस नीचे होगी, ठीक है। इसकी प्लेसिंग कहाँ पे होगी गाइस, नीचे होगी, क्यों, देखिए ए बी का पिता है दैट मीन्स अब जैसे आप हो, ठीक है, और आपके फादर और मदर हैं, वो आपसे 20, 25 साल बड़े हैं, 30 साल भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स आई मीन टू से कि जनरेशन का गैप है गाइस, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना बीच का, ये किसको शो करता है, जनरेशन गैप को, ठीक है। तो जनरेशन गैप को शो करता है ये बीच का डिफरेंस, इसी वजह से बी या तो बेटा होगा या बेटी होगी, कुछ भी हो सकता है, पर मुझे ये पता है कि जो ए है वो बी का पिता है, ठीक है। दैट मीन्स इनके बीच में क्या है, जनरेशन गैप, इसी वजह से मैंने बी को नीचे रखा है गाइस, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ,
A is grandfather of B. A B का दादा है. ठीक है गाइस, अब इस रिश्ते को आप कैसे बनाएंगे? A इज ग्रैंडफादर ऑफ B. यहां पर भी मुझे A का जेंडर कंफर्म है, ठीक है, लेकिन B का अभी भी मुझे यहां पे कंफर्म नहीं है. ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इसको बनाएंगे कैसे. जस्ट ऐसा ही बनेगा कुछ, लेकिन इस पे थोड़ा सा फर्क होगा. कैसे? देखो, A B का दादा, इट मींस A क्या है? दादा. एक मेल जेंडर है, ठीक है. किसका दादा है? B का. ओके, मैं ये लेती हूं कि B है. अगर मुझे B का दादा बनाना है तो उसके लिए पहले B का पिता बनाना बहुत जरूरी है. ठीक है, B का पिता बनाना बहुत जरूरी है. तो इसके ऊपर क्या आएगा गाइस? एक ट्रायंगल आएगा. अब ये जरूरी नहीं है कि इस ट्रायंगल का कोई नेम हो गाइस, नहीं, नेम होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. बस आपको ट्रायंगल बनाना है कि B का एक पिता है. ठीक है, आई होप आपको पिता वाला रिलेशन समझ में आया होगा. ठीक है, तो B का एक पिता है और B के पिता का जो पिता है वही तो B का दादा है, जो कि कौन है? A. अब कुछ बच्चे इस रिलेशन को ड्रॉ करने में गलतियां करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं, या तो जो मिस्टेक्स होती है मैं उनके बारे में कंफर्म कर रही हूं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. यहाँ पे कोई ऐसा साइन, ठीक है, या आप इस स्पेस को खाली छोड़ के डायरेक्ट ऊपर A लिख दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना. ठीक है गाइस, तो ये जितने भी सिंबल हैं ये सारे क्या हैं? गलत. जो इसका परफेक्ट एक फिगर है वो क्या है? ये कि B, उसके ऊपर एक ट्रायंगल और ट्रायंगल पे A. ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर होगा. गाइस, ये जो रिश्तों के प्रकार हैं ये आपको करने बहुत ज़रूरी है अगर आपको ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन करना है. ठीक है, क्योंकि इस बेसिक के बिना आप ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर सकते. ठीक है, चले नेक्स्ट रिश्ते पे. चलो, एक दो और रिश्ते के बारे में कंफर्म कर लेते हैं. ठीक है, अब जो मैंने पीछे छोड़ा था वो रिश्ता मैं बताने जा रही हूं. ए इज सन ऑफ बी. ए बी का बेटा है. ए बी का बेटा है. ठीक है, अब मुझे गाइस ये बताएं, ए बी का बेटा है, जेंडर किसका कंफर्म है? ए बी का बेटा है. तो ए बेटा है ना बी का, तो ए का जेंडर मुझे कंफर्म है. तो ए को किससे रिप्रेजेंट करेंगे गाइस? ट्रायंगल से. ए किसका बेटा है? बी का. दैट मींस बी कौन है? फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकती है. तो गाइस, फादर या मदर हमारे कहाँ पे आते हैं? ऊपर आते हैं. ठीक है, जो फादर और मदर होते हैं वो कहाँ पे आते हैं? हमारे ऊपर आते हैं. और बेटा बेटी हो वो कहाँ आते हैं? नीचे. क्योंकि ए बी का बेटा है, दैट मीन्स ए कौन है? बेटा. जो ट्रायंगल में आएगा किसका बेटा है? बी का. बी फादर या मदर दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर होगा. ठीक है गाइस, तो अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं जिसपे हमने ये जितने भी रिश्ते लिखे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके पीछे फिर जाके सारे रिश्तों को क्लियर कर सकते हैं कि जो मैंने पढ़ाया. ठीक है, आप अगेन अगेन देखिए, बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कीजिए. जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन नहीं होंगे. और जैसे ये बेसिक क्लियर हो गया आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं ब्लड रिलेशन के तभी प्रैक्टिस होगी या थाउजेंड्स करने हैं. कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. आप बस ये क्लास नोट्स कर लो और पीडीएफ आपको मिलेगा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. रीजनिंग के 10/10 मार्क्स आपके आने वाले हैं, ये गारंटेड है गाइस. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. गाइज, मैं अब क्वेश्चन लिखने जा रही हूं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने गाइज. ए इज सिस्टर ऑफ बी. ठीक है गाइज, हिंदी में भी लिख देती हूं, ए बी की बहन है. ए बी की बहन है. ठीक है, सी इज ब्रदर ऑफ डी. सी डी का भाई है. ठीक है, सी डी का भाई है. आगे लिख रहे हैं हम, डी इज
सिस्टर ऑफ ए, डी ए की बहन है, ठीक है, डी ए की बहन है। तो मेरा क्वेश्चन है गाइज, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, पहला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी में लिख देती हूँ, डी का बी के साथ संबंध आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है बी का डी के साथ संबंध आपको बताना है, ठीक है गाइस। अब देखिए, सबसे पहले तो आप खुद ही आई थिंक सॉल्व कर ही लेंगे, अगर आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्वेश्चन लिखा है, ए सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, ठीक है, ए बी की बहन है। दैट मीन्स जेंडर किसका कन्फर्म है, ए का, ए बी की बहन है, इट मीन्स ए कौन है, फीमेल जेंडर, किसकी सिस्टर है, बी की। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आई थिंक आपको याद में आया होगा, मैंने आपको बताया था कि जो भी फीमेल है, ठीक है, उसको मैं सर्किल से रिप्रेजेंट करती हूँ, और जो भी भाई बहन है उनके बीच में कोई भी साइन नहीं आता, ठीक है। माता पिता के लिए सभी बच्चे एक समान है, इसी वजह से बच्चों में कोई भी साइन नहीं आएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। उसके बाद लिखा है कि सी ब्रदर ऑफ डी, सी डी का भाई है, ठीक है गाइज। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है इसमें सी डी का भाई है, ऐसी बात तो कुछ आ ही नहीं रही, ठीक है। तो आप इस वाले पॉइंट को भी छोड़ दो, ये हम इसको यूज करेंगे बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है डी इज सिस्टर ऑफ ए, डी ए की बहन है। अब डी ए की बहन है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि डी बहन है ए की, जेंडर किसका कंफर्म है, डी का, डी ए की बहन, ऐसा लिख सकती हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इस वाले पॉइंट पे आती हूँ, सी डी का भाई है, ठीक है, तो सी भाई है डी का, और सी का जेंडर मुझे कंफर्म है, ठीक है गाइस। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, मैंने बोला ए बी की बहन है, दैट मींस ए बहन है बी की, डी ए की बहन है, डी बहन है ए की, और उसके बाद लिखा सी डी का भाई है, सी भाई है डी का, ठीक है, सी का जेंडर मुझे मेल कंफर्म था। अब गाइस क्वेश्चन क्या है, वही वाली चीज, नेम पहले किसका है, डी रिलेटेड टू बी, डी का बी के साथ संबंध, नेम पहले किसका है गाइस, डी का, दैट मीन्स डी का रिश्ता बी के साथ आपको बताना है, ओके। तो डी का बी के साथ क्या संबंध है, सिस्टर का, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर है सिस्टर मीन्स बहन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो नेम पहले किसका है गाइस, बी का, तो बी का डी के साथ क्या संबंध है, ठीक है, बी का डी के साथ क्या संबंध है, भाई नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि इसकी फिगर ही कंफर्म नहीं है हमें, ठीक है। इंग्लिश में आप लिख सकते हो इधर ब्रो और सिस, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया एब्रीवेशन, ठीक है, कि या तो ब्रदर या सिस्टर, हिंदी में आप लिख सकते हो या भाई या बहन, या बहन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस किस को क्लियर नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। कुछ भी क्लियर ना हो बार बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस क्लास नोट्स करो, पीडीएफ करो, प्रैक्टिस वाला सेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, M is, सेकेंड क्वेश्चन, M is sister of D, M is sister of D, ठीक है, M D की बहन है, M D की बहन है, ठीक है। नेक्स्ट है D is brother of K, D is brother of K, डी के का भाई है, ठीक है, डी के का भाई है। उसके बाद है एफ इज मदर ऑफ एम, एफ इज मदर ऑफ एम, एफ एम की माता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, हाउ इज
एफ रिलेटेड टू के एंड हाउ इज के रिलेटेड टू एफ। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन है। वही बात एफ का के साथ, एक तो ये बताना है आपको, दूसरा है के का एफ के साथ। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन मेरे बिना बताए आप बना लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ठीक है, मैं बना देती हूँ इसको। ठीक है, देखो M इज सिस्टर ऑफ D, M D की बहन है। जेंडर किसका कंफर्म है गाइस? M का, M बहन है D की। ठीक है, M बहन है D की। नेक्स्ट है D K का भाई है। अब D का जेंडर कंफर्म हो गया, D भाई है K का। तो D क्या है? ट्रेंगल। D भाई है K का। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है F M की माता है। अब ये बताओ ये सब कौन है? अभी मैं इस पॉइंट को नहीं लिख रही, ये सब कौन है? ये सब भाई बहन हो गए ना गाइस। ठीक है, ये सर्किल ट्रेंगल, आई थिंक हमें इसका जेंडर कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये सब कौन है? भाई बहन ही तो है। ठीक है, इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भाई या बहन में से कुछ तो होगा। ठीक है, एफ एम की माता है। अब मैं एफ को इसके ऊपर लिखूंगी, क्योंकि माता और पिता कहाँ पे आते हैं? हमारे ऊपर आते हैं, डायरेक्ट ऊपर। ठीक है, तो गाइज अगर एफ एम की माता है तो एफ तो सबकी माता है, क्योंकि ये सभी कौन है? सिबलिंग्स, भाई बहन है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो आप क्वेश्चन में क्या बताना है, इसको आप बीच में भी लिख सकते हो, क्योंकि एफ क्या है? सबकी माता है। ठीक है, एम के ऊपर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ रिलेटेड टू के, एफ का के साथ संबंध। तो नेम पहले किसका है? एफ का नेम है। तो एफ का के साथ क्या संबंध है? तो पहले का आंसर क्या आएगा गाइज? मदर। ठीक है, माता। और दूसरा क्या है? हाउ इज K रिलेटेड टू F? K का F के साथ संबंध। नेम पहले किसका है? K का। तो K का जेंडर मुझे कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे आंसर किस में आएगा? ईदर सन और डॉटर, बेटा या बेटी। ठीक है, बेटा या बेटी, कुछ तो हो गई। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, पी और क्यू भाई हैं। ठीक है, पी और क्यू भाई हैं। नेक्स्ट लिखिए, आर एंड एस आर सिस्टर्स। साथ साथ में आप अपना कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें नोट डाउन कीजिए, और मुझसे भी पहले आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइए अपनी कॉपी पे। ठीक है, आर और एस बहने हैं। ठीक है, आर और एस क्या है? बहने हैं। नेक्स्ट लिखिए, पीज सन इज एस ब्रदर। पीज सन इज एस ब्रदर, हिंदी में लिखेंगे पी का बेटा एस का भाई है। पी का बेटा एस का भाई है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर। हिंदी में क्यू का आर के साथ क्या संबंध है? ठीक है, क्यू का आर के साथ क्या संबंध है, इसमें आपको ये बताना है। ठीक है, अब मुझे पता है जितने भी जिस जिसको अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है सबको ही समझ में आ रहा है। ठीक है, उन्होंने अब तक ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा, मुझे पता है। ठीक है, क्या आंसर है बताइए, आंसर मिल गया होगा। देखो अब मैं बताती हूँ जिसको क्लियर नहीं हुआ। देखो, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, पी और क्यू क्या है? भाई। अब ये भाई क्या है? भाई भाई है, दैट मीन्स पी और क्यू क्या है? आपस में भाई भाई है। तो दोनों को मैं ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और इनको बिल्कुल साथ साथ बिठा सकती हूँ, क्योंकि कौन है ये? सिबलिंग्स हैं, भाई बहन, सहोदर है। ठीक है, दोनों क्या है? ब्रदर्स। ओके,
नेक्स्ट है आर एंड एस, आर सिस्टर्स। अब गाइज आर और एस देखिए, अब मैंने जो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है इसमें ना आर की इन्फॉर्मेशन है ना एस की है, ठीक है। तो इसको या तो अब साइड पे बना लो रफ पे, या इस पॉइंट को अभी स्किप कर दो, मीन्स छोड़ दो अभी, ठीक है। आपको साइड पे बनाना है तो साइड पे बना के लिख सकते हो, ताकि आपको कन्फर्म हो कि आर और एस कौन है, ठीक है। दोनों क्या है, सर्किल्स हैं, ओके। नेक्स्ट है पीज सन इज एस ब्रदर, पी का बेटा एस का भाई है, पीज सन, ठीक है। इसको हिंदी में आपको कन्वर्ट करना था, पीज सन मीन्स पी का बेटा, एस ब्रदर एस का भाई, पी का बेटा एस का भाई। अब देखो सबसे पहले आपको पूरी लाइन को नहीं पढ़ना, आपको बस इतना सा काम करना है पी का बेटा, ठीक है। अब पी का बेटा कौन होगा, ये ट्रायंगल। अब ज़रूरी नहीं है गाइस कि इस ट्रायंगल का कोई नेम हो, ठीक है, इस ट्रायंगल का कोई नेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पी का बेटा किसका भाई है, ये पी का ये बेटा किसका भाई है, एस का। और आपको पता है जो भाई बहन है वो साथ साथ बैठते हैं, तो ये पी का ये जो बेटा है किसका भाई है, एस का भाई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब ये जो सेकंड पॉइंट जो हमने स्किप किया था इसमें लिखा था आर और एस क्या है गाइस, बहने। तो एस के ऊपर सर्किल लगा सकती हूँ, वो जो रफ वर्क हमने किया था, और आर और एस तो एक साथ है ना, बहने हैं, साथ साथ बैठे हैं, तो उस वाली चीज़ को हमने यहाँ जोड़ दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, पी का बेटा किसका भाई है, एस का, और एस का जेंडर मुझे कंफर्म था, और एस के साथ ही आर थी, दोनों बहन, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, तो नेम पहले किसका है, क्यू का, तो क्यू का आर के साथ रिश्ता बताना है, क्यू का आर के साथ क्या संबंध है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्यू का आर के साथ संबंध बनाने से पहले मुझे ये बताओ पी का आर के साथ क्या संबंध है। ये जो पी है, आप चाहे इसको इस यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, या सॉरी यहाँ पे लिखो, बीच में एक ही बात है, पी इन सब का पिता है, क्यों, क्योंकि ये सब कौन है, भाई बहन, और इसके ऊपर पी आ रहा है, दैट मीन्स ये सब कौन है, इसके बेटा और बेटी है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए पी जो है वो आर का पिता है, जैसे आप हो, ठीक है, आप आर हो, आपके पिता का नाम पी है, और जो पिता का भाई होगा वो कौन होगा, चाचा होगा, ताया होगा, ठीक है, दैट मीन्स होगा कौन, पैटर्नल अंकल, ओके। तो क्यू का आर के साथ क्या संबंध है, क्यू इज पैटर्नल अंकल ऑफ आर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, पैटर्नल अंकल, ठीक है। आप इसको चाचा लिख दो, वैसे ये जो ताया वर्ड है ये यूज नहीं होता, ठीक है, तो आप इसको हिंदी में चाचा लिखो, ये सही लगेगा, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लास नोट्स कर लो, फिर से कह रही हूँ, पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा डीप में जाने की, ठीक है। और जितनी भी बुक्स खरीदोगे उतनी कम है, ठीक है। हमें मेन सिर्फ क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना होता है, और कुछ भी नहीं करना होता। आप चाहे 1000 क्वेश्चन करो या 100 करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप क्लास नोट्स कर लो, इससे ही चल जाएगा आपका काम, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है, 10/10 मार्क्स आपके फिक्स हैं, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ओके। लेकिन मेरी गारंटी के साथ ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर मेरी गारंटी का क्या होगा, ठीक है। आपको पढ़ना भी है अच्छे से, ठीक है। जब तक अच्छे से पढ़ोगे नहीं तब तक 10/10 मार्क्स नहीं आने वाले, मैं ये भी बता रही हूँ, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेने वाली हूँ जो कि इशारों से संबंधित हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटो विकास सेट, ठीक है। आपने इंग्लिश में नरेशन पढ़ी होगी, उसमें सैड से उसके बाद ऐसे कॉमा होता है, फिर एपोस्ट्रोफ होता है, उसके आगे सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, कुछ वैसा ही है। शी इज द डॉटर ऑफ, शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन,
गाइज ये स्टेटमेंट लिखवानी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, मुझे थोड़ी सी बड़ी है पर ये लिखवानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी में इसको करने की ट्रिक कुछ अलग है और इंग्लिश में थोड़ी सी अलग है, लेकिन जब आप करोगे तो आपको कुछ अलग लगेगा नहीं, ठीक है। हिंदी में इसको लिखिए, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए विकास कह रहा है, विकास कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, ठीक है। वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। अब इसके बीच में वो थोड़ा सा क्वेश्चन में लिखना भूल गई, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा गया हाउ इज शी रिलेटेड टू विकास, वह औरत विकास से किस तरह संबंधित है, ठीक है। वह औरत विकास से किस तरह संबंधित है, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं हाउ इज शी रिलेटेड टू विकास, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है, सबसे पहले ये बाइलिंगुअल क्लास है, आपको पता होगा जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो देखें और उसके बाद मैं हिंदी में बताने जा रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटो विकास सेट, एक भी कोई फोटो है उसके बीच में कोई औरत है, ठीक है। विकास एक पर्सन है, किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। वो कह रहा है कि शी इज द, ये शी वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, उस वुमेन के लिए, क्योंकि उसने फोटो में देखा है शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। तो विकास कह रहा है कि वे जो औरत है वो मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, ठीक है, मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। तो हमें ये बताना है हाउ इज शी रिलेटेड टू विकास, तो उस औरत का विकास के साथ क्या संबंध है, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहां लिखा है विकास सेड, ठीक है। गाइज आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले आपने ध्यान से सुनना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले आपको एक लाइन में आपको माई वर्ड दिखेगा, इंग्लिश वालों के लिए बता रही हूँ अभी, ये जो माई वर्ड है ना ये किसके लिए, ये उस पर्सन के लिए जो बोल रहा है, ठीक है। माई वर्ड किसके लिए है, ये उसके लिए जो पर्सन बोल रहा है। विकास कह रहा है कि माई ग्रैंडफादर्स, ठीक है। अब आप क्या एक काम कर सकते हैं, देखिए माय ग्रैंडफादर्स की बात हुई है, दैट मीन्स विकास को ना एक मेल जेंडर है, मैं यहाँ पे वी लिख रही हूँ और साथ में वन लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे वन लिख रही हूँ। आपको एक काम करना है जहाँ पर भी आपको माय वर्ड दिखेगा वहाँ पे नंबर एक दे दो, ठीक है, वहाँ पे नंबर एक दे दो। तो विकास कह रहा है मेरे दादा, मेरे दादा। अब विकास के दादा कैसे बनेंगे, पहले विकास का एक पिता होगा, पहले विकास के पिता होंगे और जो पिता के पिता होंगे वहीं तो विकास के दादा होंगे, ठीक है। वही बेसिक वाली बात आ गई जो मैंने आपसे बताई थी कि बेसिक करोगे तभी समझ में आने वाला है, ठीक है। तो विकास का दादा कौन हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब माई से आगे नेक्स्ट रिश्ता कौन सा है गाइस, ग्रैंडफादर का, इसको दो नंबर टू। बात को धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि जितने भी रिश्ते हैं उन सबको क्या देनी है, हमने नंबरिंग देनी है गाइस, ठीक है, नंबरिंग। तो विकास कह रहा है कि मेरे दादा, अब दादा को हमने नंबर टू दिया है तो यहाँ पे नंबर टू लिखो, इसको नंबर नहीं देना, दादा, ठीक है, ग्रैंडफादर नंबर टू। मेरे दादा का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा ओनली सन, रिश्ता नंबर थ्री। तो विकास कह रहा है कि मेरे दादा का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा कौन होगा, उसका पिता ही तो होगा नंबर थ्री, अदरवाइज यहाँ इकलौता वर्ड ओनली ना लिखा होता दैट मीन्स कोई और भी हो सकता था, यहाँ और ट्रेंगिंग भी लग सकता था, लेकिन यहाँ पे कौन है, इकलौता बेटा,
ठीक है, दैट मीन्स नंबर थ्री कौन होगा गाइज, यही होगा, ठीक है, इकलौता बेटा। अब गाइज आपको एक बात का ध्यान रखना है, माई के पीछे जितने रिश्ते हैं पहले तो वहां चलना है, इंग्लिश वालों के लिए बता रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, माई के पीछे जितने रिश्ते हैं पहले तो वहां जाना है, सारे रिश्ते हो गए, अब माई से पहले जो है आगे, अब उन रिश्तों के बारे में डिस्कस करते हैं, अब उन पे आपने नंबरिंग देनी है। अब माई से पहले कौन सा रिश्ता है इसके आगे, डॉटर का, नंबर फोर दे दो, इससे आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन की डॉटर, ठीक है, विकास कह रहे कि मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन की डॉटर, ठीक है, तो डॉटर नंबर फोर, ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे की बेटी, ओके। अब गाइज एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जिस पे फिनिश होता है दैट मीन्स इशारा उसी की तरफ हो रहा है, फोटो में वही व्यक्ति है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जिसके ऊपर क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है, दैट मीन्स फोटो में वो व्यक्ति है। जैसे ये क्वेश्चन किस पे फिनिश हुआ है, नंबर फोर पे फिनिश हुआ है ना, ये नंबर चार डॉटर पे, दैट मीन्स इशारे में, सॉरी फोटो के बीच में यही औरत है, यही महिला है जिसकी बात हो रही है क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा हाउ इज शी रिलेटेड टू विकास, तो इसका विकास के साथ क्या रिलेशन है। अब गाइज आप खुद बता सकते हैं कि इसका विकास के साथ क्या रिश्ता होगा, भाई बहन है, कोई साइन तो है नहीं इनके बीच में, आप अच्छे से देख सकते हो कि नेम पहले किसका आया है, शी का, तो शी का विकास के साथ बताना है, और शी क्या है, सिस्टर ऑफ विकास, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ये पहला पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सॉरी हिंदी में बता रही हूँ, एक फोटो में एक औरत की तरफ इशारा करते हुए विकास कहता है, देखो पहले वाली लाइन तो सेम है, हिंदी में बात ये है, हिंदी में करना थोड़ा सा ईजी है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, ठीक है, आई थिंक इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी में सही नहीं लगेगा, उनको थोड़ा टफ लगेगा, ठीक है। देखिए वह, ये वह किसके लिए यूज़ किया है, उस औरत के लिए, ठीक है, मेरे, हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुने, इंग्लिश वाले बच्चे जैसे माई से स्टार्ट करेंगे, हिंदी वाले बच्चे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेरे से, मेरे, ठीक है, तो जहाँ पर भी लाइन में आपको मेरा वर्ड दिखे वहाँ से स्टार्ट करो, मेरे, नंबर एक, रिलेशन नंबर टू, दादा, ठीक है, नंबर टू जैसे ऊपर दे रहे हैं, का इकलौता बेटा, रिश्ता नंबर थ्री, और उसके बाद बेटी, रिश्ता नंबर फोर। हिंदी वालों के लिए ये ठीक है कि उनको सिर्फ मेरे से स्टार्ट करना है और आगे तक जाना है, इंग्लिश वालों के लिए माई से पीछे जाना, फिर माई से आगे वाले पे जाना, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी वालों के लिए सिंपल है, बस मेरे से आगे लाइन बना के चलते जाओ बस, ठीक है। अब इसको भी मैं करके दिखा देती हूँ, सेम है, मेरे विकास कह रहे हैं, विकास ही तो कह रहा है कि मेरे दादा, मतलब इसके पिता हो गए और पिता के पिता हो गए दादा, मेरे दादा का इकलौता बेटा कौन हो गया, ये हो गया इकलौते बेटे की बेटी, मीन्स मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी, बेटी नीचे आएगी नंबर फोर पे, ठीक है। तो औरत का विकास से क्या संबंध है, नेम पहले किसका है, औरत का, दैट मीन्स औरत का विकास के साथ क्या संबंध होगा, आंसर क्या आएगा, बहन, ठीक है। और अगर विकास का औरत के साथ पूछा जाए तो ब्रदर, सिस्टर, ठीक है। अब मेन बात, बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि जहाँ पर वो पूरे क्वेश्चन को कभी भी नहीं पढ़ते कि किसका किसके साथ रिलेशन पूछा जा रहा है, वो बस ये देखते हैं, कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ, वो बस ये देख लेते हैं कि जो भी पर्सन फोटो में है दैट मीन्स रिश्ता उसी का पूछा जा रहा है, नहीं। अब यहाँ पे देखो कि औरत विकास से किस तरह संबंधित है, ठीक है, क्योंकि आपने औरत का विकास से संबंध बताया क्योंकि फोटो में कौन है, औरत, लेकिन अगर मैं विकास का औरत से पूछती तो कुछ बच्चे गलती करके औरत का ही विकास के साथ बता देते, ठीक है, तो आई मीन टू से कि आपको मिस्टेक नहीं करनी, आपको ये देखना है कि किसका किसके साथ संबंध पूछा, ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन फोटो में है उसी का संबंध पूछा जा रहा है, नहीं, ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू, थोड़ा फास्ट लिख देती हूं, पॉइंटिंग टू हरी, सीमा सेज, पॉइंटिंग टू हरी, सीमा सेज,
ही इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ माय एल्डेस्ट सन महेश. ठीक है, देन हाउ इज हरि रिलेटेड टू सीमा. हरि रिलेटेड टू सीमा गाइस. ठीक है, पॉइंटिंग टू हरि दैट मीन्स हरि की तरफ इशारा करते हुए सीमा कहती है कि वह मेरे बड़े बेटे महेश का दादा है. तो आपको बताना क्या है. इन शॉर्ट लिखती हूँ, हरि का सीमा के साथ संबंध. ठीक है, हरि का सीमा के साथ क्या संबंध है आपको इतना बताना है. फिर से वही चीज कि पॉइंटिंग टू हरि सीमा सेज, कह कौन रहा है गाइस, सीमा कह रही है. दैट मींस ये फीमेल जेंडर है. ठीक है, तो ये माई वर्ड किसके लिए यूज हुआ है जो इस क्वेश्चन में आ रहा है, इसी के लिए यूज हुआ है. तो जहां पर भी ये क्वेश्चन आपको मिले, सबसे पहले आपको माई वर्ड को ढूंढना है. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे माई वर्ड दिख गया. अब माई को मैं दूंगी ऑलवेज नंबर वन. से पहले आपने सेल्फ को नंबर वन देना. ठीक है, उसके बाद रिश्ता नंबर दो, एल्डेस्ट सन महेश. ठीक है, अब गाइज एल्डेस्ट सन महेश, कभी भी आपको कोई भी यंगर हो, मींस छोटा हो या बड़ा हो या कोई नाम हो, उसको कभी भी आपने नंबरिंग नहीं देनी. आपने नंबरिंग हमेशा किसको देनी है, रिश्ते को. या सन छोटा है या बड़ा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, माई एल्डेस्ट सन महेश. ठीक है, तो माई से चले, उसके बाद रिश्ता नंबर दो सन में आया, उसके बाद है रिश्ता नंबर थ्री पैटर्नल ग्रैंडफादर का. ठीक है, पैटर्नल ग्रैंडफादर का. तो यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, हरि की तरफ सीमा की तरफ इशारा करते हुए सीमा कहती है कि वह मेरे, दैट मीन्स नंबर वन, बड़ा बेटा महेश का दादा है. तो हरि का सीमा के साथ संबंध बताना है. ठीक है, अब मैं एक ही फिगर में ये दोनों क्वेश्चंस करके दोनों लैंग्वेज पे करके दिखा रही हूँ. ठीक है, देखो इंग्लिश वालों के लिए माय सन मेरा बेटा. हिंदी वाले भी ध्यान से सुन लें, दोनों के लिए एक ही फिगर है, मेरा बेटा. दैट मीन्स कह कौन रहा है, मेरा सीमा. दैट मीन्स सीमा क्या, एक सर्किल है. ठीक है, इसको मैं नंबर वन दे रही हूँ, मेरा बेटा. दैट मीन्स ट्रेंगिल आएगा नीचे, मेल जेंडर नंबर टू में. ठीक है, मेरे बेटे महेश का दादा. ठीक है, माई सन्स ग्रैंडफादर. ठीक है, मेरा बेटा महेश. ठीक है, उसका दादा. मुझे एक बात बताएं, इसका दादा आपको बनाना है. इसका दादा तो तभी बनेगा ना जब सीमा का एक हस्बैंड होगा, सीमा का एक हस्बैंड होगा और हस्बैंड का जो फादर होगा वही तो महेश का दादा होगा. ठीक है, अभी आपको खुद थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है माइंड में कि सीमा ने कहा कि मेरे बेटे महेश का दादा, इसका बेटा जो महेश है इसका दादा तब बनेगा जब सीमा का एक हस्बैंड होगा और हस्बैंड का फादर होगा. ठीक है, अब वो कौन है, नंबर थ्री. ठीक है, फिनिश. अब मुझे एक बात बताएं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिस पे क्वेश्चन फिनिश होता है, इस दैट मीन्स इशारा उसी की तरफ हो रहा है. तो क्वेश्चन किस पे फिनिश हुआ, नंबर थ्री पे, और इशारा किसकी तरफ हो रहा है, ये वही पर्सन है हरि. ठीक है, तो ये वही पर्सन है हरि. ओके, इसी की तरफ इशारा हो रहा था. ठीक है, तो ये नंबर थ्री आ गया गाइस. ओके, अब उसके बाद पूछा क्या है, हाउ इज हरि रिलेटेड टू सीमा. दैट मीन्स हरि का सीमा के साथ क्या संबंध है. अब गाइस मुझे ये बताएं, हरि का सीमा के साथ क्या संबंध है, फादर इन लॉ का, ससुर का. ठीक है, क्योंकि हरि है, ये हरि का बेटा है और ये बेटे की कौन है, वाइफ. ठीक है, तो हरि का सीमा के साथ क्या संबंध है, हाउ इज हरि रिलेटेड टू सीमा. नेम पहले किसका है, हरि का. ठीक है, तो इंग्लिश वाले फादर इन लॉ और हिंदी वाले ससुर. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है गाइस, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
ठीक है गाइज, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिख रही हूँ जो थोड़ा सा अलग है, देखिए। इंट्रोड्यूसिंग टू अ वुमन इन अ फोटो, इंट्रोड्यूसिंग टू अ वुमन इन अ फोटो अ मैन सेज, अ मैन सेज, हर मदर इज, हर मदर इज माय मदर इन लॉज ओनली डॉटर, ठीक है। हर मदर इज माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन। अब मैं इसको आपको हिंदी में लिख के बताती हूँ। एक फोटो में, एक फोटो में एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, ठीक है, ओके। तो हमने क्या बताना था, तो व्यक्ति का महिला के साथ संबंध, सॉरी औरत लिख देती हूँ, औरत के साथ संबंध क्या है, ठीक है, ये हमें बताना है, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, इंट्रोड्यूसिंग ए वुमैन इन ए फोटो ए मैन से, सबसे पहले ये देखिए बोल कौन रहा है, मैन बोल रहा है, ठीक है। हर मदर इज माय मदर इन लॉज ओनली डॉटर, ठीक है गाइज। अब अगर पिछले वाले क्वेश्चन पे जाए और इस वाले क्वेश्चन पे जाए, थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से देखो। पिछले क्वेश्चन में आई थिंक मैंने आपको ये बताया था, जैसे मैंने बताया था कि वह मेरे बड़े बेटे महेश का दादा है, ही इज द पेटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ माय एल्डेस्ट सन महेश, ठीक है। दैट मीन्स जो जैसे जैसे सीमा कह रही है, ठीक है, किसके बारे में बता रही थी, हरी के बारे में, तो उसमें वह वर्ड किसके लिए यूज हुआ था, हरी के लिए यूज हुआ था। दैट मीन्स जो फोटो में पर्सन था वो उसकी बात कह रही थी, लेकिन यहाँ पे जो कह रही है ना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनंसिएशन चेंज है, यहाँ पे उस पर्सन की बात नहीं हो रही जो फोटो में है, यहाँ पे उस पर्सन के किसी रिलेटिव की बात हो रही है। जैसे हर मदर, जो फोटो में पर्सन है उसकी मदर की बात हो रही है, उसके फादर की एटसेट्रा, किसी भी रिलेटिव की बात हो रही है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में फर्क है, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से करना है, ठीक है। उसमें फोटो वाले पर्सन की बात हो रही थी, इसमें पर्सन के रिलेटिव्स की बात हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, हर मदर इज माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ माई से स्टार्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। माई को दिया मैंने नंबर वन, उसके बाद है मदर इन लॉ, रिश्ता नंबर दो मदर इन लॉ, यहाँ पे भी लिख देती हूँ उसकी माता मेरी सास, तो मेरा वर्ड नंबर एक, सास नंबर दो, सॉरी, उसके बाद है ओनली डॉटर, ठीक है, इकलौती बेटी, दैट मीन्स इकलौती बेटी, रिश्ता नंबर थ्री। अब गाइज जैसे मैं आपको बताती थी कि पहले आपको माई से पीछे चलना है, फिर माई के आगे का रिश्ता जो है उसको नंबर फोर देना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं करना। मैं फिर से कह रही हूँ, वैसा तब करना है जब जो पर्सन फोटो में है उसकी बात हो रही हो। यहाँ पे जो पर्सन फोटो में है, जैसे वुमेन है फोटो में, तो उसकी मदर की बात हो रहा, ठीक है, उसकी मदर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस रिश्ते को नंबर फोर नहीं दे सकते, ना ही आप यहाँ पे नंबर फोर दे सकते हो, सॉरी, ठीक है, तो आप इसको नंबर फोर नहीं दे सकते, ओके।
अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है, पहले आप बनाएं माई मदर इन लॉज ओनली डॉटर, तो पहले बताओ मदर इन लॉज बनाओगे कैसे। देखो मदर इन लॉज कह कौन रहा है, मैन कह रहा है, ये वो मैन है जो माई है, इसको नंबर वन दिया, इसकी मदर इन लॉ बनानी है मुझे, ठीक है। इसकी मदर इन लॉ बनाने के लिए पहले इस पर्सन की वाइफ बनानी पड़ेगी, ठीक है, वाइफ होगी तभी तो सास होगी, ठीक है। तो इसकी मैंने वाइफ बनाई और वाइफ की जो मदर होगी वही इस पर्सन की सास होगी जो कि कौन है, नंबर टू, ठीक है। अब मदर इन लॉ की ओनली डॉटर, भाई मदर इन लॉ की ओनली डॉटर कौन होगी, उसकी वाइफ ही तो होगी, अगर यहाँ ओनली वर्ड ना लिखा होता दैट्स इट, और भी हो सकते थे सर्कल्स, लेकिन यहाँ पे कंफर्म है कि ओनली डॉटर कौन है, ये नंबर थ्री है, उसकी वाइफ ही है, ठीक है। यहाँ तक बना दिया, अब इस फिगर को भूल जाओ, आपने मुझे ये बताओ कि आपने इस फिगर को किस पे फिनिश किया है, नंबर थ्री पे ना, इस पे टिक लगा लो, ध्यान देना, ठीक है, इसके ऊपर एक टिक लगा लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके लिए एक अलग फिगर बनानी है, उसकी माता, हर मदर, ये हर वर्ड किसके लिए यूज किया गाइस, हर वर्ड यूज किया है उस वुमेन के लिए जो फोटो में है, ठीक है, ये वो हर हो गई, ठीक है, ये वुमेन, और वुमेन की बनानी है हमें माता, दैट मीन्स उसकी माता, ये हो गई उसकी माता, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जब मैंने क्वेश्चन बनाया था फिगर किस पे फिनिश हुई थी, नंबर थ्री पे, इस पे मैंने टिक लगा लिया। अब ये जो फिगर मैंने अलग से बनाई है, ये साथ में नहीं है, ठीक है, इसमें बनाइए उसकी माता, दैट मीन्स उस वुमेन की माता, तो इस पे क्वेश्चन किस पे फिनिश हुआ है, इसके ऊपर फिनिश हुआ है, ठीक है। अब गाइस ये जो दोनों टिक्स हैं ये बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स ये दोनों सेम पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इस पे फिनिश हुए और यहाँ पे क्वेश्चन इस पे फिनिश हुए, ये दोनों के दोनों टिक्स के हैं गाइस, सेम है। अब आपने इस फिगर को करना है कंबाइन, मीन्स जोड़ना है, मिलाना है, कैसे मिलाएंगे, देखो इस टिक के नीचे एक फिगर है ना, तो ये दोनों टिक्स तो सेम है, तो इसके नीचे वाली फिगर यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे लिख दो वुमेन, ओके। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन उस पिछले वाले से अलग है, ठीक है, तभी मैं कह रही हूँ, ओके। अब पूछा क्या है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो ये मैन है इस वुमेन के साथ, तो इसका रिश्ता बताना है, तो मैन वुमेन का क्या लगता है गाइस, फादर, आंसर क्या आएगा, फादर, ठीक है। तो व्यक्ति का औरत के साथ संबंध ही तो बताना है, तो व्यक्ति का औरत के साथ क्या संबंध है, पिता का, ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये ध्यान रख लो पिछले वाले क्वेश्चन में जो फोटो में पर्सन था उसकी बात थी, इस वाले में उसके किसी रिलेटिव की बात है, इसी वजह से हम इसको नंबर फोर नहीं दे सकते, और जब भी ऐसा होगा ना तो आपको इसकी फिगर अलग बना लेनी है जो माई से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी अलग बना के जोड़ देना है, और ये इससे सिंपल तरीका कोई भी नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ही शॉर्टेस्ट ट्रिक्स बता रही हूँ, ठीक है। तो ये कंबाइन थोड़ा सा बस करना ही क्या है, एक फिगर को ही कंबाइन करना है और कुछ नहीं करना, जहाँ पे ये फिनिश हो यहाँ टिक लगा लो, यहाँ टिक लगा लो, इन दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है गाइस। एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू आशा इन आ फोटो भास्कर सैड टू गेस्ट, ठीक है, भास्कर सैड टू गेस्ट दैट हर फादर इज माय फादर्स ओनली सन, ठीक है, देन हाउ इज आशा रिलेटेड टू भास्कर, ठीक है, तो आशा का भास्कर के साथ क्या संबंध है इस क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है।
एक फोटो में आशा का परिचय देते हुए भास्कर ने अतिथियों से कहा, ठीक है, भास्कर ने अतिथियों से कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, तो आशा का भास्कर के साथ संबंध, के साथ संबंध। अब ये क्वेश्चन जो है ना गाइस, जैसा पिछला मैंने करवाया, ये भी सेम वैसा है। जो फोटो में पर्सन है, फोटो में पर्सन कौन है गाइस? आशा, उसके रिश्तेदार की बात हो रही है, उसके पिता की बात हो रही है, ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही, उसके रिलेटिव्स की बात हो रही है, ओके। किसी की भी बात हो सकती है, पिता, माता, भाई, बहन, व्हाटएवर, कुछ भी, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले मैं बता रही हूँ, पॉइंटिंग टू आशा, फोटो में कौन है? आशा। बोल कौन रहा है? भास्कर। कैसे? हमें कोई लेना देना नहीं है, ये बस ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। बस आपने ये देखना है कि कह कौन रहा है, भास्कर कह रहा है, ठीक है, भास्कर ने कहा, ठीक है, कह कौन रहा है? भास्कर। उसने कहा है दैट हर फादर इज माई फादर्स ओनली सन, हर फादर को छोड़ दो, पहले जैसा माई से स्टार्ट करो, नंबर वन, रिश्ता नंबर दो फादर्स, ओनली सन नंबर थ्री, ठीक है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, ठीक है। बस आपको इतनी सी फिगर बनानी है, भास्कर ने कहा। अब भास्कर क्या है? एक ट्रेंगल है, नंबर वन, ठीक है, भास्कर ने कहा मेरे पिता, दैट मीन्स इसके पिता, नंबर टू, पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा गाइस? यही तो होगा, ठीक है, खुद ही होगा। भास्कर ने कहा कि मेरे पिता का इकलौता बेटा, अगर यह इकलौता बेटा ना लिखा होता, दैट मीन्स हम क्या करते, यहाँ पे एक और ट्रायंगल भी बना सकते थे और ये भी हो सकता था, इधर में क्वेश्चन चला जाता, लेकिन यहाँ पे इसने कहा है पिता का इकलौता पुत्र, दैट मीन्स कौन होगा? यही होगा, ठीक है। अब मेरी फिगर किस पे फिनिश हुई है? इस पे मैंने यहाँ पे एक टिक लगा दिया, ठीक है। अब मुझे बनाना है उसका पिता, ठीक है, उसका पिता, किसका पिता? आशा का पिता, जो फोटो में उसी के पिता की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दी आशा और ये बनाया आशा का पिता। इस वाले फिगर में मेरा ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे फिनिश हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक्स लगा लिया, और इस वाले फिगर में कहाँ पे फिनिश हुआ है? इस पे हुआ है। तो गाइज मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी यही बताया कि जहाँ पे जो फिगर है आपकी फिनिश हुई है और जहाँ पे हमने ये जो टिक्स लगाई है, ये दोनों फिगर्स क्या है? सेम है। ये और ये ट्रायंगल्स क्या है गाइज? बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो क्या मैं ये दोनों ट्रायंगल को सेम मानते हुए इसके नीचे का सर्किल यहाँ पे लिख के आशा लिख सकती हूँ, ठीक है, जैसा हमने पहले किया था, पहले माई से चले बनाया, उसके बाद उसका पिता ये बना के हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब पूछा क्या है, हाउ इज आशा रिलेटेड टू भास्कर, आशा का भास्कर के साथ क्या संबंध है? नेम पहले किसका आया है? आशा का। तो आशा का भास्कर के साथ क्या संबंध होगा गाइस? डॉटर का, बेटी, ठीक है। आशा का क्या संबंध होगा गाइस? बेटी का, ठीक है गाइस। तो एक तो आपके सिंपल बेसिक फॉर्म थी जो मैंने पहले आपको कराया, और ये थे इशारे वाले क्वेश्चन, पॉइंटिंग फॉर्म थी गाइस, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि जो क्लास के नोट्स हैं वो काफ़ी हैं, और आपको एक PDF दिया जाएगा जिसमें प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपको रीजनिंग की कोई भी बुक परचेज करनी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम है आप बता सकते हो, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा बार बार पीछे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर का जो बेसिक था उसको किए बिना ये चैप्टर के क्वेश्चंस आप अच्छे से नहीं कर सकते। सबसे पहले आप बेसिक कीजिए, रिश्तों के प्रकार कीजिए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस कीजिए, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सभी गारंटेड आपके होने ही होने हैं, ठीक है गाइस। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।